आज हम बनाएंगे लौकी की पकौड़े वाली कढ़ी। ये कढ़ी खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाना एकदम आसान है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीएम रसोई में। लौकी की कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लौकी ले ली है। लौकी हमें बिल्कुल सॉफ्ट लेनी है, ये देखिए इस तरह की। अब लौकी को हम छील लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे छील लिया है। अब इसे हमें अच्छी तरह से धो लेना है। सॉफ्ट लौकी होगी तो पकौड़े हमारे बहुत ही बढ़िया बनेंगे और जल्दी से पक भी जाएंगे। तो ये मैंने धो लिया है। अब इसके ऊपर और नीचे के हिस्से को हम निकाल देते हैं, ये वाले। तो देखिए मैंने इसे कट कर दिया है। अब इसके हमें गोल पीसेस निकालने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसके पीस निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसकी मोटाई नहीं रखनी है, ये देखिए इस तरह से। तो सारी लौकी को हम इसी तरह से काट लेते हैं। और ये देखिए मैंने इसे काट लिया है। तो चलिए इसके लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो कटोरी में बेसन लिया है। एक से हम कढ़ी बनाएंगे और एक से पकौड़े बनाएंगे, सेम मेज़रमेंट है। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है। बर्तन में हम बेसन डाल देते हैं। बेसन आप लौकी के हिसाब से ले सकते हैं। यदि आपने बड़ी लौकी ली है तो बेसन ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। एक चम्मच के करीब मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को दरदरा कूट के डाल दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले हमें नहीं डालने हैं। इतने मसाले से पकौड़े बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अब सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला देते हैं और ये मिक्स हो गया है। तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। पानी हमें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि बैटर को हमें गाढ़ा रखना है। अब इसे अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो। तो ये देखिए मैंने मिला लिया है। अभी बैटर गाढ़ा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं और इसे फिर से अच्छे से मिला लेते हैं। और ये देखिए बढ़िया सा मिक्स हो गया है। बस इसकी कंसिस्टेंसी हमें इसी तरह की रखनी है। तो अब इसे हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक ये सेट हो रहा है हम कढ़ी के लिए भी बेसन घोल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है। पतीले में हम दूसरे कटोरी वाला बेसन डालेंगे और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। बाकी इसमें हम कुछ मसाले नहीं डालेंगे अभी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम थोड़ा पतला करेंगे। और ये देखिए अच्छे से पतला हो चुका है। अब इसमें हम छाछ डालेंगे। छाछ की जगह पे आप दही भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम के करीब छाछ लिया है। यदि आप दही ले रहे हैं तो बेसन का 2 गुना ले लीजिएगा। यदि दही खट्टा है तो आप 1 गुना भी ले सकते हैं। तो मैंने इसमें छाछ डाल दिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो बेसन का हमें 10 गुना पानी इसमें डालना है। तो मैंने अभी इसमें 6 से 7 गुना पानी डाल दिया है। बाकी का पानी हम कढ़ी बनाते समय एडजस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे बेसन भी हमारा सेट हो चुका है। तो इसमें हम धनिया की पत्ती डाल देते हैं और इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए बेसन हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लेते हैं कि कितना गाढ़ा रखा है। तो ये देखिए इस तरह का हमें इसे गाढ़ा रखना है ताकि जब हम इसमें लौकी की पीसेस डालें तो वो पीसेस में ये बेसन अच्छे से कोट हो जाए। पतला होगा तो उसमें अच्छे से कोट नहीं होगा और पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैं एक पीस डाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए इसमें कितने बढ़िया से ये कोट हो रहा है। ये देखिए बस इसी तरह का हमें बनाना है। तो चलिए इसे हम फ्राई भी कर लेते हैं। तो हम एक एक करके इसमें सभी पीसेस को डालेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे फ्राई करते समय गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा ताकि ये अच्छे से फ्राई हो। तो यहाँ पे मैंने सभी को डाल दिया है। अब इसे हम एक तरफ से पकने देंगे। तो इसे पकाते हुए मुझे 1 से 1.5 मिनट हो गया है। अब इसके साइड को हम चेंज कर देते हैं। गैस की फ्लेम को ज़्यादा हाई मत कीजिएगा, मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है क्योंकि ये लौकी है ताकि ये अंदर तक पक जाए। तो ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से पक गए हैं। इन्हें मैंने पलटाते हुए दोनों साइड पका लिया है। तो अब इसे हमें निकाल लेना है। तो इसे हम हल्का सा कढ़ाई में रोकते हुए निकालेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। तो इन्हें निकालने के बाद हम बाकी के बचे हुए पकौड़े भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो सारे पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। तो मैंने कढ़ाई का तेल कम कर दिया है। तेल गर्म है तो इसमें हम 2 पिंच के करीब हींग डाल देते हैं और साथ ही इसमें हम आधा छोटा चम्मच के करीब मेथी दाना। मेथी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है कढ़ी में। आधा छोटा चम्मच इसमें राई डालनी है।
आधा छोटा चम्मच जीरा। अब सभी चीज़ों को चलाते हुए थोड़ी देर चटकने देना है। तो ये देखिए, ये चटक गए हैं, इनका कलर लाल हो गया है, बस इतना इन्हें हमें पकाना है। तब इसमें हम 7 से 8 कलियां लहसुन की बारीक काट के डालेंगे और 2 हरी मिर्च बीच से चीरा लगा के डाल दिया है। इन्हें भी हल्का कलर चेंज होने तक पका लेते हैं। ये भी फ्राई हो गए हैं तो इसमें हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काट के डाल देते हैं और इसे भी हल्का सा चला देते हैं। सभी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं तो अब इसमें हम 10 से 12 करी पत्ते डालेंगे और इसे भी हल्का सा चलाते हुए फ्राई करेंगे। तो सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं तो अब इसमें हमें कढ़ी वाला बैटर डालना है। तो पहले हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि इसमें नीचे जो भी बैठा हो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम इसे इसमें डाल देंगे। और इसे डालते समय गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, नहीं तो ये तले में जाके बैठ जाएगा। अब बाकी का पानी भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं। तो ये देखिए, बढ़िया सी मिक्स हो गई है। अब इसे हम उबलने देते हैं और ये देखिए, कढ़ी में उबाल आ गया है तो इसे हम एक बार फिर से चला देते हैं। तो देखिए, मैंने इसे चला दिया है, अब ये अच्छे से उबलने लगी है। तो अब इसमें हमें नमक डालना है। कढ़ी में नमक जब कढ़ी में उबाल आ जाए तभी डालिएगा। जब कढ़ी में उबाल आ जाता है फिर हम नमक डालते हैं तो कढ़ी जो है फटती नहीं है। अब इसे हम एक बार अच्छे से फिर से मिला देते हैं और ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है। अब इसे हमें पकने देना है 1/2 घंटे के लिए। कढ़ी जब अच्छे से पक जाती है तभी उसका स्वाद आता है। और ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। यदि आपको यहाँ पे कढ़ी पतली लगे तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन घोल के डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि हम पकौड़े वाली कढ़ी बना रहे हैं तो थोड़ी सी पतली ही रखनी है। जब हम इसमें पकौड़े डालेंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए, इसे पकते हुए 1/2 घंटे हो गया है और कढ़ी बहुत ही बढ़िया पकी हुई है। ये देखिए, इसकी क्वांटिटी बिल्कुल आधी हो गई है और इसमें बहुत ही अच्छे से मलाई पड़ी है और जो तेल था वो भी सेपरेट हो गया है। तब इसमें हम पकौड़े डाल देते हैं। तो ये देखिए, हम इसमें सभी पकौड़े डाल देंगे। मैंने सभी पकौड़ों को इसमें डाल दिया है। अब इसे हम हल्का हल्का प्रेस कर देते हैं ताकि ये कढ़ी में जाके अच्छे से डीप हो जाएँ। और गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और गरम गरम कढ़ी में मैंने ये पकौड़े डाल दिए हैं। बस 5 मिनट में ये पकौड़े अच्छे से फूल जाते हैं। अब इसके लिए हम एक तड़का बना लेते हैं ताकि ये कढ़ी का स्वाद और भी बढ़िया हो जाए। तो पैन में मैंने थोड़ा सा तेल गरम किया है और इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाली है और 1 चम्मच मैंने इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब इसे हम तड़का लगा देते हैं। बाकी की चीज़ें तो हमने पहले ही डाल दी है। अब तड़के को हम अच्छे से एक बार कढ़ी में मिक्स कर देते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनी है। आप लोग एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। चावल के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकॉन की बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ एक इसी तरह की नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।